तो कैसे हैं बच्चे आप? तो हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसे पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस को। तो किसको? डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस और या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा, क्लास का टॉपिक रहेगा आज की। तो देखेंगे इसमें डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है। मोनो हाइब्रिड में क्या देखा था, हमने एक करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करवाया था। फिर वो जो करेक्टर उनके अंदर चला गया था, एक डोमिनेंट हो गया था, एक रिसेसिव हो गया था। जो रिसेसिव वाला था वो आपको अगली जब उनकी F1 जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन पोलिनेशन करवाई होगी, क्रॉस ब्रीड करवाया होगा, तो F2 जनरेशन में वो करेक्टर देखने को मिलेगा। तो देखा था हमने, आज हम देखेंगे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम दो करेक्टर्स को ट्रांसफर करवाएंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। द टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग, द टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स chosen by Mendel were, उसने कौन से दो पेयर जो characteristics के लिए थे, एक Mendel ने इस experiment में, that was, वो थे बच्चे आपके, that were, वो थे आपके बच्चे shape and color of seeds। तो उसने कौन से दो करेक्टर लिए, एक तो शेप और कलर। इसके बारे में मैंने बताया था आपको पहले भी बताया था कि वो शेप और कलर लेंगे। और उसने क्या लिया था बच्चे, पहले तो पी प्लांट लिए थे, अब उसने लिए पी के सीड्स लिए। तो कौन से सीड लिए उसने, एक लिया राउंड येलो सीड और दूसरा लिया उसने रिंकल्ड ग्रीन सीड। उसने स्टार्टिंग में राउंड येलो सीड लिया और रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया। अब क्या करेगा बच्चे, इनमें सेल्फ पोलिनेशन क्रॉसिंग करवाएगा बच्चे। तो देखेंगे उसमें किसके करेक्टर जो आपके ट्रांसफर होते हैं उन दोनों में, पहले F1 जनरेशन में, फिर जब हम F1 जनरेशन की नेक्स्ट पोलिनेशन करवाएंगे उसमें किसके करेक्टर आपके ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें क्या है, कौन से करेक्टर है, ये राउंड शेप का है और येलो कलर का है, इसके करेक्टर क्या है, रिंकल शेप का और ग्रीन कलर का। तो चलो इन्हें करवाते हैं पोलिनेशन, इनकी पोलिनेशन करवाते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसे देखते हैं। तो जब आपकी F1 जनरेशन हुई, जब आपने एक बार क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉस पोलिनेशन करवाई, सेल्फ पोलिनेशन करवाई, तो आपके पास जो F1 जनरेशन आई उसमें आपके पास कौन सा करेक्टर भेजा था, उसमें आपके पास राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ द सीड, राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ द सीड्स वर डोमिनेंट ट्रेड्स। आपको मैंने बोला था जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाता है वो डोमिनेंट कर जाता है। तो इसमें कौन सा डोमिनेंट किया, राउंड शेप और येलो कलर वाला, किससे डोमिनेंट किया, ओवर द रिंकल शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड्स। तो इससे उसने क्या कर दिया बच्चे, वो आपका डोमिनेंट कर गया। तो पहले जनरेशन में ये काम देखने को मिला। तो फिर सर जी जो रिंकल वाला था वो रिसेसिव जीन में चला गया,
उसका करेक्टर मे भी नेक्स्ट पोलिनेशन में देखने को मिलेगा। तो एफ वन जनरेशन में समझ आया, हमने पहले क्या लिया राउंड शेप और आपके पास रिंकल राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड लिया हमने, उसकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई, तो हमें पहली एफ वन जनरेशन में ओनली राउंड येलो सीड हमारे पास प्रोड्यूस हुए। तो ये देख सकते हो ब्रैकेट में ओनली, जैसे हमने उसमें देखा था एफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ टालनेस के आए थे आपके पास प्लांट प्रोड्यूस हुए थे, टालनेस का कैरेक्टर डोमिनेट हुआ था, तो इसमें कौन सा हुआ है आपका राउंड और येलो वाला। तो नेक्स्ट करेंगे आपकी एफ टू जनरेशन, तो एफ टू जनरेशन में क्या हुआ आपका, जो आपका राउंड एफ वन जनरेशन में जो था आपके पास ओनली राउंड येलो सीड, उन्होंने अब आपस में क्या की बच्चे क्रॉसिंग सेल्फ बाय पोलिनेशन, पोलिनेशन के थ्रू उन्होंने आपस में क्रॉसिंग की, तो आपके पास बच्चे क्या है फोर टाइप्स के कॉम्बिनेशन बने सीड के, फोर टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीड, कितने बड़े बने आपके पास बच्चे फोर टाइप्स की कॉम्बिनेशन बनी आपकी सीड्स की। तो देखते हैं वन बाय वन आपके पास क्या था, तो आपके पास राउंड था तो बना क्या क्या आपके पास सर राउंड जेलो जो पहले भी था हमारे पास वो बने होंगे फिर से, फिर नेक्स्ट देखो राउंड और दूसरा कलर कौन सा था हमारे पास ग्रीन, कि जो उसके अंदर रिसेसिव जीन वाले कैरेक्टर थे वो अब आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें, और आगे कौन सा है रिंकल्ड येलो सीड्स, और इसमें कौन सा है आपके पास रिंकल्ड ग्रीन सीड्स बचे,